जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactional.com के लर्न इंग्लिश रेगुलर वर्ब्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एच से शुरू होने वाले 21 रेगुलर वर्ब्स के मीनिंग सीखेंगे, उनकी बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को जानेंगे, और इन तीनों फॉर्म्स को फिर हम फ्रेजेस में यूज करेंगे, सेंटेंसेस में यूज करेंगे। तो कुछ लोग इसको एच पढ़ते हैं, कुछ लोग एच पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। पहला रेगुलर वर्ब है हैंड। हैंड का वैसे तो मतलब होता है हाथ, लेकिन वर्ब के तौर पे हैंड का मतलब होता है हाथ में देना। ठीक है जी, हाथ में देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, हैंड मी ओवर योर मोबाइल फोन, मुझे अपना मोबाइल फोन दो। ठीक है, यानी कि मुझे मेरे हाथ में दो अपना मोबाइल फोन। पास्ट सिंपल फॉर्म में होगा हैंडेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है हैंडेड, ही हैंडेड हिज कार कीज टू मी, उसने मुझे अपनी गाड़ी की चाबियां दी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैंडेड, आई हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर माई लैपटॉप टू द टीचर, मैं पहले ही अपना लैपटॉप टीचर को दे चुका हूँ, उस्ताद को दे चुका हूँ, उस्तानी को दे चुका हूँ। ठीक है जी, तो हैंड का मतलब होता है देना, या फिर मोर स्पेसिफिक होना चाहे तो हाथ में देना। पास्ट सिंपल फॉर्म हैंडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैंडेड। वर्ब है जी हैंडल। हैंडल वैसे तो गाड़ी का हैंडल या फिर दरवाजे के हैंडल को कहते हैं, लेकिन किसी चीज को हैंडल करना, किसी चीज के को आप ये कहें कि किसी सिचुएशन को हैंडल करना, ठीक है, तो उस मीनिंग में यूज होता है ये वर्ब के तौर पे। जिस तरह लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन, मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने दो, मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं इसको काबू कर लूंगा। और पास्ट सिंपल फॉर्म होगी हैंडल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैंडल्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में ही हैंडल्ड द सिचुएशन ब्यूटीफुली, उसने बहुत ही खूबसूरती से सिचुएशन हैंडल की। ठीक है जी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव ऑलरेडी हैंडल्ड इट, मैं पहले ही इस पर काम कर चुका हूँ, इसको हैंडल कर चुका हूँ। ठीक है जी, तो वर्ब है हैंडल, मतलब काबू करना, हैंडल करना, फेस करना सिचुएशन को। ठीक है, पास्ट सिंपल फॉर्म में हैंडल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैंडल्ड। वर्ब है हैंग, मतलब होगा लटकाना, लटकाना। शी हैंग्स द क्लोथ्स आउटसाइड, वो बाहर कपड़े लटकाती है। हैंग्ड, अब आप देखें जो हैंगअप होता है वो बेसिकली जब आप फोन को भी हैंगअप करते हैं, वो उसको भी आप हैंगअप की सूरत में यूज करेंगे। हाँ, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है हैंग। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में ही हैंग्ड अप द फोन ऑन मी, उसने मुझ पर फोन रख दिया, मेरा फोन रख दिया। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आई हैव हैंग्ड माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े लटका चुका हूँ अलमारी में। मतलब तो वर्ब है जी बेस फॉर्म में हैंग, मतलब है लटकाना। पास्ट सिंपल फॉर्म हैंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैंग। नेक्स्ट वर्ड है जी हैपन। हैपन का मतलब तो होता है वैसे कुछ होना। ठीक है जी, यानी कि कुछ होना। इट हैपन्स, ये होता है। इट हैपन्स टू एवरीवन, ये सबके साथ होता है। पास्ट सिंपल फॉर्म में हैपन्ड,
past participle form में happened. It happened to me. ये मेरे साथ हुआ. Past participle form में it has also happened to me. ये मेरे साथ भी हो चुका है. तो verb है जी happen, meaning कुछ होना. Past simple form और past participle form happened, happened. Verb है जी harass, मतलब है जी किसी को परेशान करना, हरासा करना, डराना. ठीक है जी. He harasses female employees. वो फीमेल काम करने वालियों को तंग करता है, परेशान करता है. Harassed. Past simple form और harassed. Past participle form. तो past simple form में harassed, he harassed me. उसने मुझे परेशान किया, उसने मुझे डराया. Past participle form harassed. The boss has harassed his secretary. Boss ने अपनी secretary को डराया है, परेशान किया है. ठीक है जी. तो बेस फॉर्म में वर्ब है जी हरास, मीनिंग है परेशान करना, हरासा करना, डराना. पास सिंपल फॉर्म और पास पार्टिसिपल फॉर्म है हरास्ड, हरास्ड. वर्ब है जी हार्म, मतलब नुकसान पहुंचाना. ही हार्म्स एनिमल्स, वो जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं. पास्ट सिंपल फॉर्म में हार्म्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हार्म्ड. पास्ट सिंपल फॉर्म में द थीव्स हार्म्ड द सिटीजन, चोरों ने शहरी को नुकसान पहुंचाया. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैवंट हार्म्ड हिम, उनने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है. तो वर्ब है जी हार्म, मतलब है नुकसान पहुंचाना. पास्ट सिंपल फॉर्म हार्म्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हार्म्ड. नेक्स्ट वर्ब है जी हेट. हेट का मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना. शी हेट्स हिम, वो उसे नफरत करती है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, पास्ट सिंपल फॉर्म होगी हेटेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगी हेटेड. ही हेटेड हिज पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप से नफरत करता था. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेटेड. शी हैज हेटेड हिम ऑल हर लाइफ, वो उससे अपनी पूरी जिंदगी नफरत करती रही है. तो वर्ब है हेट, मतलब नफरत करना. पास्ट सिंपल फॉर्म हेटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेटेड. वर्ब है जी हॉन्ट. हॉन्ट का मतलब होता है डराना. ठीक है जी, किसी को डराना, तो हॉन्ट होगा. दिस हाउस हॉन्ट्स मी, ये घर मुझे डराता है. ठीक है जी, इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है हॉन्टेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है हॉन्टेड. दैट हाउस हॉन्टेड मी, वो घर मुझे डराता था, यानी कि उसमें मुझे डर लगता था वो, क्योंकि हॉन्टेड था. और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दिस मूवी हैज हॉन्टेड मी, ये जो फिल्म है इसने मुझे डराया है. तो वर्ब है जी हॉन्ट, मतलब है डराना. पास्ट सिंपल फॉर्म हॉन्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हॉन्टेड. वर्ब है जी हेड. हेड का मतलब ये भी होता है कि मतलब, वैसे तो हम सर को कहते हैं हेड, लेकिन हेड जिस तरह आप किसी टीम को हेड करें,
किसी प्रोजेक्ट को हेड करें, लीड करें, ठीक है? तो लीड चक के मीनिंग्स में भी हम यूज करते हैं हेड को, किसी की रहनुमाई करें, ठीक है? तो लीड करने को हेड कहते हैं। ही हेड्स अप अ बिग कंपनी, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, तो इस सेंस में हमने कहा ही हेड्स अप अ बिग कंपनी। हेडेड पास सिंपल टेंस और हेडेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पास सिंपल फॉर्म में हेडेड, ही हेडेड अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, यानी कि वो लीड कर रहा था, लीडर था। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हेडेड, आई हैव हेडेड मैनी प्रोजेक्ट टीम्स, मैंने काफी प्रोजेक्ट्स में टीम्स को लीड किया है, हेड किया है। तो बेस फॉर्म में वर्ब है हेड, मतलब है लीड करना, बॉस बनना उनका। पास्ट सिंपल फॉर्म हेडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेडेड। वर्ब है हील, हील करना किसी को, मतलब कोई जख्मी हो तो उसको ठीक करना, उसको सेहत याब कर देना, ठीक करना, ठीक है? उसकी द डॉक्टर्स हील, दिस डॉक्टर हील्स द पेशेंट्स, ये डॉक्टर पेशेंट्स को, मरीजों को सेहत याब करता है, ठीक करता है, तंदुरुस्त करता है। जिस जख्म जो होता है वो हील होता है ना, उस सूरत में ये हील होता है। पास्ट सिंपल फॉर्म हील्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हील्ड। द मेडिसन हील्ड द जख्म को क्या कहते हैं, द मेडिसन हील्ड द वाउंड, द मेडिसन हैज हील्ड द वाउंड, जो दवाई है उसने जख्म को ठीक कर दिया है, भर दिया है। तो हील का मतलब होता है भरना या ठीक करना, जख्म को भरना या मरीज को ठीक करना। हाँ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जख्म को, जख्म भरना, पास्ट सिंपल फॉर्म में होगा हील्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हील्ड। अगला वर्ब है जी हीप, तो इसका मतलब होता है जी एक चीज के ऊपर एक चीज को रखना, ठीक है? मैं रखना लिख देता हूं, मतलब आप लकड़ियों को एक जगह पे रख दें, या फिर जिस किसान होते हैं वो फसल काट के एक जगह पे उनको रख देते हैं, तो वो हीप कहलाएगा। द फार्मर इज हीपिंग द क्रॉप्स, फार्मर जो है फसल एक जगह पे रख रहा है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी हीप्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हीप्ड। शी हीप्ड द वुड, उसने लकड़ियों को एक जगह पे एक के ऊपर एक करके रख दिया, उनका घट्टा बना दिया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हीप्ड, आई हैव हीप्ड ऑल द प्लैंक्स, मैंने तमाम की तमाम प्लैंक्स जो हैं, जो लकड़ियों के टुकड़े हैं, वो एक जगह पे रख दिए हैं, एक के ऊपर एक करके रख दिए हैं। तो हीप कहते हैं एक के ऊपर एक रखना, एक के ऊपर एक रखना, ठीक है? और वो जो घट्टा बन भी जाता है, जिसका बंडल सा बन जाता है, तो उसको भी हीप ही कहते हैं, ठीक है? जिसका फसल वो गन्ने से रस निकालने के बाद वो जो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है उसको वो बांध दें, तो वो भी हीप होगा, उस प्रोसेस को भी हीप कहेंगे वर्ब के तौर पे। पास्ट सिंपल फॉर्म है जी हीप्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है हीप्ड। वर्ब है जी हीट, हीट वैसे तो गर्मी को कहते हैं, लेकिन गर्म करने को भी हीट कहते हैं वर्ब के तौर पे। कैन यू प्लीज हीट माई टी, ठीक है? क्या आप मेरी चाय गर्म कर सकती हैं? पास्ट सिंपल फॉर्म में हीटेड,
past participle form में heated. He heated the room. उसने कमरे को गर्म किया. Past participle form में I have heated your milk. मैं आपका दूध गर्म कर चुका हूँ. तो verb है जी heat, मतलब है गर्म करना. Past simple form है जी heated और past participle form heated. Verb है help. Help वैसे तो ज्यादातर मदद को कहते हैं, लेकिन मदद करने को भी help कहते हैं. Please help me. कृपया करके, मेहरबानी करके मेरी मदद करें. Helped इसकी past simple form है और past participle form भी है helped. He helped the poor. उसने गरीबों की मदद की. Past participle form में helped. I have helped some people. मैंने कुछ लोगों की मदद की है. तो verb है जी help, मतलब है मदद करना. Past simple form में helped, past participle form helped. अगला verb है जी hook. Hook मतलब जिस तरह आप पर्दों को टांगते हैं hook के साथ, तो उस चीज को, मतलब किसी hook के साथ किसी चीज को टांगना, उसको hook कहते हैं. ठीक है जी, टांगना. मैं सिर्फ टांगना लिख देता हूं. He hooks the curtains. वो पर्दे टांगता है. Hooked. और past simple और past participle form होंगी hooked. Hooked. T की आवाज निकालेगा, आखिर में जो D है ना वो होगा hooked. Hooked. तो hooked का ये भी मतलब होता है कि दो लोगों को आपस में मिलाना, लड़के लड़की को. They hooked their friends. उन्हें अपने दोस्तों को आपस में मिलाया. ठीक है. और past participle form में hooked. I have hooked the curtains. मैं पर्दे टांग चुका हूँ. तो verb है जी hook, meaning टांगना, या फिर hookup करना, मतलब दो दोस्तों को मिलाना, वो hookup होता है. ठीक है. Past simple form में hooked, past participle form hooked. Verb है जी hop. Hop का मतलब होता है उछलना. जिस तरह मेंढक उछलता है, डड्डू उछलता है, उसको कहते हैं हॉप, उछलना. द फ्रॉग हॉप्स. डड्डू उछलता है. हॉप्ड. पास्ट सिंपल फॉर्म हॉप्ड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. अब ये देखें, डी भी बहुत सॉफ्ट है आखिर में, ऑलमोस्ट टी की साउंड निकालते हैं आखिर में. हॉप्ड. I hopped 10 times. मैं 10 दफा उछला. Hopped. The baby has hopped. Baby, जो बच्चा है वो उछला है, उछल चुका है. तो verb है hop, मतलब है उछलना. Hip hop इसी से निकला है. Past simple form में hopped, past participle form में hopped. Verb है जी hop. होप का मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद लगाना. आई होप टू गो देयर. मैं उम्मीद करता हूं कि मैं वहां जाऊं. मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहां जाऊं. ठीक है. तो होप आपकी उम्मीद करना या ख्वाहिश भी होती है. पास्ट सिंपल फॉर्म में होप्ड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होप्ड. She hoped to come here. उसकी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ आए. Past participle form. She has hoped to go there. उसने ख्वाहिश जाहिर की है, उसने उम्मीद की है कि वो वहां जाए. तो verb है जी hope, मतलब उम्मीद करना, ख्वाहिश करना, होना, ख्वाहिश का होना मतलब. Past simple form में hoped, past participle form में hoped. Verb है जी hoover. जिस तरह ships जो होती हैं, अगर वो उड़ने, एक ही हवा में एक दफा एक जगह उड़ जाएं, hoover करें, मतलब पानी के ऊपर उड़ें, ठीक है, तो वो hoovering होती है. ठीक है. तो हवा में एक जगह
उड़ना, जैसा होवर बोर्ड होते हैं कि वो हवा में, मतलब हवा, आपको आप उनके ऊपर खड़े हैं और वो थोड़े से उठ जाए हवा में, तो फिर वो हुवरिंग करते हैं, ठीक है। इस वजह से उनको हुवर बोर्ड्स कहते हैं। दिस बोर्ड विल हेल्प मी इन हुवरिंग, ये बोर्ड मुझे मदद करेगा हवा में एक जगह खड़े होने में, ठीक है जी। हुवर्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, हुवर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। द बोट हूवर्ड अबव द वॉटर, जो बोट है वो पानी के ऊपर हवा में खड़ी हो गई, उड़ी, ठीक है, मोहलक हो गई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, नो बडी हैज हूवर्ड, कोई भी हूवरिंग नहीं कर सका, ठीक है जी। तो वर्ब है हमारे पास हूवर, मतलब हवा में एक जगह उड़ना, खड़ा होना। पास्ट सिंपल फॉर्म है हुवर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुवर्ड। वर्ब है जी हग, मतलब गले लगाना, जप्फी डालना, गले लगाना। शी हग्स एवरीवन, वो हर किसी को गले लगाती है, हग्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म हग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। He hugged his mom. उसने अपनी अम्मी को गले लगाया। Past participle form hugged. I have hugged her. मैं उसे गले लगा चुका हूँ। ठीक है जी। तो verb है hug, मतलब जप्फी डालना, गले लगाना। Past simple form में है हमारे पास hugged. Past participle form hugged. वर्ब है जी हम, हम मतलब गुनगुनाना या फिर बहुत ही हल्की आवाज निकालना, हमिंग की, ठीक है जी। जिस तरह कुछ मशीनों से हल्की आवाज आती रहती है, गीजर चल रहा हूं उसमें से आवाज आती है, कंप्यूटर्स में से आती है, लैपटॉप्स में से आती थी पुराने लैपटॉप्स में, तो वो होती है हमिंग साउंड, जिस बी भिन बनाने की आवाज नहीं होती मक्खी के, वो चीज हमिंग, ये जी हमिंग, आहिस्ता आहिस्ता आवाज लगाना या निकलना, निकालना। ही हम्स, वो इसका हमिंग करता है, हम्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म हम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट सिंपल फॉर्म में द गीजर हम्ड फॉर आवर्स, गीजर से आहिस्ता आहिस्ता आवाज घंटों तक आती रही। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही हैज हम्ड सिंस टू, ही हैज बीन हमिंग, या हम इसको किसी और चीज में यूज करते हैं क्योंकि फिर वो ही हैज बीन हमिंग एक और फॉर्म बन जाएगी। आई हैव हम्ड समटाइम्स, मैं कुछ दफा इस आवाज निकाल चुका हूं। तो वर्ब है जी हम, आहिस्ता सी आवाज निकालना, मक्खियों वाली, बिन बनाने वाली। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम्ड। वर्ब है जी हंट, मतलब है शिकार करना। आई डोंट हंट, मैं शिकार नहीं करता। पास्ट सिंपल फॉर्म में हंटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हंटेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में द हंटर हंटेड द टाइगर, हंटर ने, शिकारी ने टाइगर का शिकार किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हंटेड, आई हैव नेवर हंटेड, मैंने कभी भी मैं शिकार नहीं किया है। तो हंट होता है शिकार करना, पास्ट सिंपल फॉर्म हंटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हंटेड। वर्ब है जी हरी, मतलब जल्दी करना, कहते हैं ना हरी अप, जल्दी करो, तो ये एग्जाम्पल होगी हमारी हरी की। पास्ट सिंपल फॉर्म में हरेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हरेड। आई हरेड टू रीच
ऑफिस ऑन टाइम, मैंने जल्दी की ताकि मैं ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊं, कि टाइम पे पहुंच जाऊं, समय पे पहुंच जाऊं, वक्त पे पहुंच जाऊं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हरेड, ही हैज हरेड टू रीच द स्कूल ऑन टाइम, उसने जल्दी की है ताकि वो स्कूल टाइम पे पहुंच जाए। तो वर्ब है हरी, मतलब है जल्दी करना, पास्ट सिंपल फॉर्म हरेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हरेड। तो दोस्तों ये हमारे एच या एच से शुरू होने वाले 21 वर्ब्स थे, उनकी 3 फॉर्म्स थी और 63 सेंटेंसेस थे। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज इस लाइक का बटन प्रेस करें, इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो लाल डब्बा है उस पे क्लिक करके, और ifactioner.com पे आप विजिट कर सकते हैं अच्छे अच्छे मजे मजे के ट्यूटोरियल्स के लिए। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।